जनाब, ये 26th वेडिंग एनिवर्सरी जो हमने पाकिस्तान में शिंजा मनाई, और ये सारे इंतजाम शिंजा एजाज के हैं, ये और थीम ये सारा मैं और है। युबाब मिलकर जो है डेकोरेट कर रहे ये थे। हमारे घर जी का छत है, जी जी ऊपर हमने ये सारा तुम हमने लोगों ने प्लान अरेंजमेंट किया किया था। था जी। तो ये जो है व्यूवर्स, डैडी लॉन्ग की जो 26th वेडिंग एनिवर्सरी थी उसको हमने मेमोरेबल बनाने के लिए इसलिए कि ऊपर, हमने 25th कतर में की थी कोविड की वजह हाँ से। 25th जो थी डैडी लॉन्ग की जो है फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो गई थी। कतर में कोविड था तो हम कोई जा नहीं कतर पाए थे। फैमिलीज के हाँ साथ जी, किया था कतर के जो मैंने। फैमिली फ्रेंड्स थे और हुबाब भी साथ थे, हाँ, और डॉक्टर बाकी बाप हम का लोग सारे मौजूद पाकिस्तान में थे। तो हमने प्लान किया था कि 26th को जो है हम मेमोरेबल बनाएंगे पाकिस्तान में अपने घर में। अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने घर में। तो और ये ये हमने शिमला, ये आपने ये यहाँ पे आपने ये सारी डेकोरेशन की थी है, डैडी कैसी लग रही थी जबरदस्त। आपको? मुझे तो लगता है आप परफ्यूजनिस्ट का काम छोड़ के ना इंटीरियर डिजाइनिंग शुरू कर दें, बड़ा बेहतरीन किस्म का। और स्पेशली मुझे तुम्हारा ये थीम बड़ा पसंद आया था ना, हाँ रेंडम जी, जैसे ये रेडी आता ऐसे है। ही रैंडमली बन गया था। मामा के पास हाँ, ड्रेस था, मामा ने ये लिया रेड था। व्हाइट एंड जी ब्लैक जी बहुत जी आपके अपील पास किया भी है। अवेलेबल था तो फिर हमने हाँ, सोचा कि सबने इसी के साथ। कपड़े वपड़े पुराने पहने हैं, हाँ लेकिन ये जी, है कि नहीं एक्चुअली उससे पुराने नहीं थे, है मतलब तो उससे न्यू थे, मैच बट है ये था ना, कि मैच फर्स्टीना करें की शादी के दिन गुजरे ही थे गुजरे तो ही थे। हाँ, ऑलरेडी क्योंकि और ये पे ये यहाँ घर पे की डैडी जिस लॉन्ग का वेलकम जो है हमने अरेंज ऐसा ये किया नील और था। फर्स्टीना, फर्स्टीना हमारी बेटी है, हमारी भांजी और हमारे दामाद, क्योंकि हुबाब की डॉक्टर साहब की शादी भी नहीं हुई थी। तो फिर ये हमारे जो है ना एंट्रेंस पे पेयर न्यू कपल थे जिन्होंने हमें वेलकम किया। और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे मेरी फैमिली मेम्बर सब खड़े हुए हैं, जिनमें मेरी बहनें हैं, बहनोई हैं, भाई है, भाभी हैं, और बच्चे हैं, भांजे, भतीजे, भतीजियाँ सारे मौजूद हैं, भांजियाँ ये मौजूद शकील हैं। अंकल की फैमिली थी ये जो नहीं शकील, थी। हाँ, ये हमारे शकील की फैमिली, हमारी घर की फैमिली है। और ये हम क्रॉस करते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे शिंजा ने डेकोरेट किया, ये मेरी बहन कौसर, मेरे बहनोई नवीद भाई, और ये मेरी चाची प्यारी सी भाभी हैं आसमा, रियाज और बजरजिया, मेरी माँ हाँ, यहाँ पे डैडी डर और गए अदरिया, थे डॉक्टर थोड़ा सा। बाब, अलीबा, मेरी भांजी है बड़ी प्यारी सी। और अच्छा लगा मुझे यार, बड़ा माहौल था, इसमें पीछे म्यूजिक लगा था शिंजा। हाँ जी डैडी, मगर अभी वो हम यूट्यूब की वजह से हमें वॉइस ओवर करना पड़ा है, हाँ, वरना वरना बड़ा ब्यूटीफुल थीम सा बना हुआ था, म्यूजिक बड़ा अच्छा लगाया हुआ था आप लोगों ने। और ये मैंने कहा यार, जवानों की तरह एक ना रोमांटिक रोमांस होना पोज। चाहिए इस एज में भी, तो मैंने रोमांस कर दिया और मैंने फ्लावर दे दिया अपनी वाइफ को। भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था। और और ये यहाँ से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो सेलिब्रेट, गई केक थी मुझे बहुत पसंद था यार, आई लव दिस। कहाँ से लिया? डैडी। केक ये मैंने कस्टमाइज बनवाया था वॉल्विक बेकर से, कराची में ही ओहो, है। सो ब्यूटीफुल यार, मुझे तो इतना अच्छा। तो मैं कतर में सेलिब्रेशन, हालांकि वो बहुत बड़ा मेमोरेबल था, ये नवी साहब हंस रहे हैं, और बड़ा मज़ा आया था यार। हाँ, ये डॉक्टर युबाब, हुबा यू, डॉक्टर युबाब साहब भी खड़े हुए हैं। डॉक्टर अच्छा, युबाब भी थे और डॉक्टर हुबाब साहब भी डॉक्टर थे, और हुबाब जो का इंजा थी उसके साथ थोड़ी सी डैडी वो उसके ट्रेजिडी हो मम्स गई थी। का, उसको जो है उस दिन मम्स हो गए थे। हाँ, तो वो थोड़ी पीछे थी, लेकिन हमने उसे थोड़ा आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन वो आई थी। हाँ वहीं थी, आई थी अभी शायद थोड़ी देर में दिखेगी भी, मगर तो ये उसे था तो कि बाप की शादी नहीं हुई थी, हाँ इसलिए मोना जी नहीं थी, है मोना ना। नहीं थी क्योंकि मतलब बात चल रही थी, बट अभी अभी एंगेजमेंट कंफर्म ना वगैरह कुछ एंगेजमेंट नहीं नहीं थी, था। तो इसलिए थोड़ा हो गया, वरना उसको भी शामिल करता। और ये नई नई दुल्हन हमारी बेटी हाँ, और फर्स्टीना, ये गिफ्ट जो और है ये सेरेमनी गिफ्ट, स्टार्ट हो गई थी, हाँ ये जी, गिफ्ट बड़ा दे प्यारे रही। गिफ्ट लेके आए थे दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, गॉड ब्लेस देम। और फिर ये केक के कटते ही फिर हमने गिफ्ट जी लेने जी शुरू, गिफ्ट हमने स्टार्ट अब कर दी हम थी तो बल्ले बल्ले हमारी हो गई, हमें तो फौरन। तोहफों के अंबार। और फिर ये जनाब देखे ना, ये भी ब्यूटीफुल थीम था यार, और ये ये डॉक्टर हुबाब हुबाब साहब भाई, अपनी वालदा मोहतरमा बजरजिया के साथ, बजरजिया और हुबाब दोनों ने मिलके हमें गिफ्ट दिया। और और ये मोना जो के पिक्चर्स रेडी पंजाब का दिख रही मोना है भी ना, ये जो हाँ, पिक्चर्स हैं ये आपकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी की जो है ना, ये साथ हमने जो लगाए। हमने ये कतर में सेलिब्रेट किया जी था जी जी उसको जी आपने, अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। और ये डॉक्टर युबाब साहब हमें एज यूजल किस कर रहे हैं, और ये हमारी बेटी शिंजा, डॉक्टर साहबा जिसको हम किस कर रहे हैं, और मैं बाजी कौसर, भाई नवीद, भाई रियाज और आसमा बेटी, और फिर ये इंजा हमारी फाइनली आ डॉक्टर इंजा आ गई। गई। और देखे मम्स की वजह से बेचारी ने मुंह लपेटा हुआ। और और ये हमारा हमारे घर का कोको सदस्या कोको, ये तो तुम इस पे कुछ कह सकते हो। और आई किंग। लव दिस केक यार, मुझे अभी तक याद है, बहुत खूबसूरत और ये थीम जितना था, प्यारा था दिखने में उतना ही टेस्टी भी टेस्टी था, भी था। और सबको बहुत मैं तो मजा कहता हूँ आया। ये वाला काम शुरू कर दो तुम, बेहतरीन किस्म जी, के और परफ्यूजन को साइड पे करो। ये काम शुरू कर, इवेंट इवेंट मैनेजमेंट में चली जाऊं। मैनेजमेंट तो बहुत और अच्छा यहाँ काम पे है। डैडी आप क्या बता रहे थे? इसमें मैं थैंक्स कर रहा था स्पेशली तुम्हारा, युबाब इन जहबाब और मोना का, और अलेलिया मिसलाम लोगों का, नील फोस्टीना लोगों का,
और रियाज भाई का उस वक्त मेजू नहीं हुआ था, मेजू था डैडी मगर बहुत छोटा था, था तो वो बहुत सो छोटा रहा था। था मुझे जहां तक याद है, क्योंकि फिर हसन चाची ऊपर आई नहीं थी ना, हाँ क्योंकि मेजू उनको का छोटा था। उसको छोटा तो था। ये फिर मैं अपना एज यूजल लेक्चर दे रहा हूँ, वाज कर रहा हूँ थैंक्स करके, जो मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं लोगों को तालियां वालियां बजाओ मेरे लिए। डैडी तो अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर रहे हैं, और यही नवीद नवीन अंकल भाई की कितना खुश तालियां, और नवीन भाई भी हुए मुस्कुराई है थोड़ी सी। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। और फर्स्टीना के ज्यादा मजे थे, क्योंकि फर्स्टीना नई नई दुल्हन थी, सारी प्रोटोकॉल फर्स्टीना पे प्रोटोकॉल, मिला। और ये लिबा गिफ्ट दे रही ये है। लीबा और मेरी बहन सूफिया, राजा भाई नहीं आए थे, इनके वो हस्बैंड थोड़े वो से शायद बिजी थे। स्कूल में बिजी थे, आए थे नहीं आए थे नहीं पता नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आए थे, नहीं थोड़े से आए बिजी थे, थे, क्योंकि बिजी आए थे। स्टार्टिंग के डेज थे ना। हाँ स्कूल शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो बिजी हो जाते हैं, वो टीचर है ना सेंट पैट्स के। और तो फिर हमने ये हमने डिनर छत पे अरेंज फिर किया हुआ शुगर था, यू किया हुआ था। बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू, हमारे शकील साहब जो मल्टी टैलेंटेड है तो और ड्राइवर साथ के भी चाचू को हम, भी तो देखे रियाज भाई माशाल्लाह, तो फिर वो मल्टी भी म्यूजिकल मास्टर है ना, रियाज के बगैर वो तो, अपने फोक सॉन्ग्स गाने में ना रियाज बहुत के बगैर फेमस तो है। मजा भी नहीं आता। और ये ये देखें शकील शकील, अंकल लगता दिलो है कि ये जान ड्राइवर है, ये से भाई फुल ऐसे लग रहा है जैसे इसका काम ही ये वाला है। उन्होंने स्पेशल कहा था कि सिंधी भाई के भाई लिए वाला, मैं ही बारबेक्यू करूंगा, आप किसी और मतलब को मत मजा आया अरेंज टिक्के करने कबाब दीजिए। खाने का, बड़े गर्मा गर्म उसने बनाए और हमने खाए हैं, आए बहुत अंकल मजा दिलो आया। जान से लगे हुए थे। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा इस खूबसूरत कपल को जो आज अपनी 26th एनिवर्सरी मना रहे हैं, और काफी मेरी अच्छा दुआ है हुआ। कि ये लोग अपनी इस प्यार मोहब्बत में बढ़ते जाएं और इस रिश्ते को कायम रखें। और दूसरी बात ये कि मैं इनके लिए शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ इस खूबसूरत शाम में गुजारा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो 26th एनिवर्सरी पे इन्होंने हमें ये जो खूबसूरत शब्द दिया, कल को आगे जाके अगले आने वाले सालों में हम इन्हें ऐसी खूबसूरत शामों से बहन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं ऐसी स्पॉन्सर रखते रहे ताकि हम दोनों आधी आधी चीजें मिला के हाँ। पहले हम इकट्ठा इकट्ठा करते, जैसे मामू ने कहा, हमने कहा ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, तो हम इसी तरह ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें बेटा आधी को आधी इकट्ठा करते तो उसको भी तो दे दिया करो थोड़ा, आधी मैं हम दोनों आधा आधा करके जो है पूरा एक से ही बना के खा सके। और जो हमसे चढ़ते हैं खुदा उन्हें और चढ़ाए। और बाकी ये कि आज भी हमें बड़ा अच्छा लगा, आधी बोटिया इसने कहा आधी बोटिया आधी हमने पीछे डाली, तो आधी भाई मेरी तरफ से सलाम। बड़ा अच्छा लगा कि हम सब बहन भाई एक साथ बैठे हैं, क्योंकि काफी देर हो गई जब से अब्बा जी गए हैं, तो हम लोग कभी नाराजगियां कभी खुशी कभी गम, तो कभी कभी हम दूर हो जाते हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा कि हम सब एक साथ अच्छे माहौल में प्यार और मोहब्बत के साथ बैठे हैं। तो मेरी ये दुआ है कि इसी तरह हम अपने बच्चों को भी सबक दे के इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहना और एक दूसरे की बर्दाश्त करना, ताकि इंसान आने वाला जो भी कल है वो अच्छा मुस्तकबिल आपकी जिंदगी में आए, और खुदावंद नौशी को और एजाज को लंबी उम्र। सबसे पहले सबको सलाम, और आज का ये खूबसूरत शाम जो है मेरे भाई इजाज और भाभी नौशी के लिए खास तौर पर मैं दुआ करती हूँ, खुदावंद इनको हमेशा खुशियाँ नसीब करता रहे, और यहाँ से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहें, और खुदावंद खुदा इनको तमाम बरकात और फजाइल से माला माल। साहब अनिल बात